हाय थेर असलकम सो हैप्पी रमज़ान आप सबका रमज़ान कैसे जा रहा है ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुस्लिमों के लिए ही है ऐसा कुछ वो नहीं है आप सभी को पता है कि मेरे लिए रिलीजस मैटर नहीं करता है कोई भी रिलीजस मैटर नहीं करता है मेरे लिए मेरे लिए इंसानियत बहुत मैटर करती है कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा है सो ये आ, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि रमज़ान चल रहा है सो so, आप सबको इसलिए ही बोली है सो बहुत वो में मत जाना कि मैम मतलब सीरियसली हम हम मुस्लिम नहीं हैं वैसा कुछ नहीं है दिवाली होती है तो मैं कैसे सबको हैप्पी दिवाली विश करती हूँ तो वैसे कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि आपका रिलीजियस कौन सा है मेरा मेरा रिलीजियस कौन सा है मैं सारे रिलीजियस में मानती हूँ कि ये है सब उनकी तरह बहुत उनके रिलीजियस के हिसाब से सब अपनी जगह परफेक्ट है ना सो so, या आज जो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो टॉपिक पे आज बात करेंगे सबको साइड में रखते हुए सबसे पहले तो बता दूँ कि देखो आप सबके आधे एग्जाम्स हो चुके हैं यू नो आप सब सबके आधे एग्जाम्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट थोड़े तीन चार पेपर्स बाकी बाकी है तो मैं उसके रिलेटेड बात करूंगी सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट क्लास टीवाई में लाना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है अगर आप सेकेंड क्लास लेके आते हो तो भी अच्छा है लेकिन आप सिर्फ पास होते हो तो आपके लिए फिर कोई ये रिजल्ट ये डिग्री कोई मायने नहीं रखता है उसका एक रीजन है आप कभी भी किधर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो नीचे मेंशन uh, किया होगा इफ आपका सेकंड क्लास होगा तो आपको पांच मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इफ आपका फर्स्ट क्लास होगा तो आपको टेन मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उसका बेनिफिट्स रहता है हर चीज में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मुझे अभी याद आया ये सो सॉरी ज्यादा थोड़ी देर थोड़े टाइम पहले याद आता होता तो आपको मैं पहले से बताती वैसे तो हमारे सारे बच्चे बहुत होशियार है और मैं मुझे पता ही है कि आप सब बहुत अच्छे से पास हो जाओगे और फर्स्ट क्लास तो लेके ही आओगे और जब रिजल्ट आएगा मैं पर्सनली लाइव आके सबका रिजल्ट पूछने वाली हूँ सो या सो बस आज मैं ये बोलने वाली हूं कि जितने पेपर्स बाकी है ना उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तीन चीजें याद रखना पहली बात तो आप कितना लिखते हो वो मैटर नहीं करता है लेकिन आप कैसा लिखते हो वो मैटर करता है तो सबसे पहली बात तो आप अच्छा लिखो और उसको ऐसा प्रेजेंट करो कि सामने वाला बंदा जो चेक कर रहा है ना उसको ऐसा लगे कि नहीं भले उसने थोड़ा ऊपर का पॉइंट अच्छा था नीचे का अच्छा था फिर उसने भले उसके मन से लिखा वो मैटर नहीं करता लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है वो मैटर जरूर करता है तो क्वांटिटी भी मैटर नहीं करती यहाँ पे आपका आंसर कैसा है वो भी मैटर नहीं करता आप कैसा लिखते हो कितने पॉइंट्स पॉइंट्स सही है वो भी मैटर करता है यहाँ पे पॉइंट्स पहले लिख कर उसको प्रेजेंट करने की अच्छे से कोशिश करो क्योंकि आप बी ए स्टूडेंट हो तो आपको वो तो आना ही चाहिए कि पॉइंट्स लिखने के बाद आपको कैसे प्रेजेंट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके चार पेपर बाकी है आपको चारों चार पेपर में आपका वन देना है हंड्रेड परसेंट देना ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास रिजल्ट आता है तो आपकी डिग्री में लिखा होता है स्पेशल आपको मैं मेरी डिग्री पर्सनली बताऊंगी कल या परसों शायद मे बी पर्सनली मैं अपनी डिग्री शेयर करूंगी तब तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा होता है स्पेशल और जिसका सेकेंड क्लास या फिर पासिंग होता है उनके रिजल्ट में कुछ लिखा नहीं होता सिर्फ जनरल लिखा होता है डिग्री में सॉरी तो बात यही है मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ डिग्री में डिफरेंस होता है सो so, प्लीज़ हमें जनरल कैटेगरी का डिग्री नहीं चाहिए हमें फर्स्ट स्पेशल डिग्री चाहिए मेरा जो डिग्री है वो स्पेशल डिग्री है मैं आपको बताऊंगी शेयर करूंगी आप सबके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब सारी बातें uh, साइड में रखते हुए मैं जो बताना चाहती हूँ उसको थोड़ा समझो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करो हड़बड़ाट में धम धम कुछ भी मत लिखो कुछ भी लिख रहे हो पर उसको लिखने की कैसे लिखना है उस पर थोड़ा ध्यान दो अगर आपको एग्जाम्पल uh, uh, चाहिए तो मैं एक सवाल uh, आपको एग्जाम्पल के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे शेयर करूंगी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको चाहिए एक एग्जाम्पल तो श्योरली मैं एक एग्जाम्पल आप सबको बता दूंगी कैसे लिखना रहता है ओके okay? कुछ नहीं समझ पड़ती आप मुझे पूछो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने पेपर बाकी रहे ना उसमें मार्क्स कवर अप करने की पूरी पूरी कोशिश करना अगर अगर ये ये सब्जेक्ट सॉरी uh, ये पेपर में मार्क्स कवर अप हो जाएंगे तो आपका फर्स्ट क्लास इजी है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस बार थोड़ा पेपर चेकिंग हार्ड रहेगा हा, उसका रीज़न मैं बता नहीं सकती थोड़े रीज़न है और थोड़े रीज़न ये भी है कि कुछ स्टिकर को रिलेटेड कुछ ऑनलाइन को रिलेटेड कि भाई ऑनलाइन चेकिंग भी हो सकता है ऐसा भी कुछ है सो so, वो सबको साइड में आपका माइंड डाइवर्ट हो वो सबको उसको छोड़ देना है कि कैसे होगा कैसे चेकिंग होगा उसको साइड में रख दो पर पहली बात तो ये आपको चार पेपर कैसे प्रेजेंट करना है अभी वो सोचो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या याद करना है कौन सा बेस्ट है ये चैप्टर में कितना पूछा जा रहा है उसका टिक मार्क करने के बाद आप देखो आप सर्वे करो वही करो और जो कर रहे हो उसमें बेस्टम बेस्ट दो ना ही के उसको भी फिर अपने मन से करने की कोशिश करो प्लीज थोड़ा समझो ये जो लास्ट सेमेस्टर इतना इजी नहीं है स्पेशल का डिग्री लाना इजी नहीं है इजी किसके लिए है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है स्मार्ट वर्क किस में है अच्छा प्रेजेंटेशन में है पॉइंट्स में है पॉइंट्स लिख रहे हो कैसे लिखते हो उसमें है थोड़ा यूनिक होना चाहिए हमारा सप्लीमेंट्री ओके कुछ चाहिए मटेरियल देन मेरे को पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कैसे लिखना है अगर नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन आस्क मी एंड सबको हैप्पी रमज़ान एंड बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ स्टे यून सो या आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ उसके लिए भी और uh, सबको वेस्टफ्लक जो चार एग्जाम है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप ये चार एग्जाम्स बहुत अच्छे से दो इतने अच्छे से दो कि आपका जो डिग्री है ना वो मेरी तरह स्पेशल में आए सो so, नीचे लिखा होगा स्पेशल मैं आपको मेरी डिग्री जरूर से शेयर करूंगी वेरी सुन सो मैंने जो बताया उस पर थोड़ा ध्यान देना कैसे लिखना है चारों चार पेपर्स में उस पर थोड़ा ध्यान दो कैसे लिखना है वो जरूरी है आप लिखते जाओगे उस पर क्या मतलब अच्छे से लिखो उसको आप प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए यू you नो know? बस इसी बात पे ध्यान दो एंड ऑफ लक एंड जो चार पेपर्स है उसके आईएमपी किसी को चाहिए उसका कुछ भी मटेरियल चाहिए देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स सो मे को पता रहेगा मेरे पास पीडीएफ आएगी या मैं किसी से मांग लूंगी आपके लिए सो so मिल जाएगा देन मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी और इकोनॉमिक्स का हो तो मुझे आप एनी टाइम पूछ सकते हो साइकोलॉजी हो तो भी आप पूछ सकते हो ओके okay, सो so आप सबको अब तो समझ आ ही गया होगा अभी तक आप कैसा लिख रहे थे वो आपको पता ही होगा कि आप कैसा लिख रहे थे पहली बात तो ये कि हम कैसा लिखते वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सप्लीमेंट्री कैसी लिखनी है मैंने लाइव आके बताया था ऐसा लिखो लेकिन कुछ चीज़ें आप एग्ज़ाम के ऑन टाइम भूल जाते हो मानती हूं मैं खुद भी भूल जाती हूँ लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम ऑन टू ऑन जैसा होना चाहिए वैसा लिखे सो so, वो ऑन टू ऑन कैसा होता है अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप अ कमेंट छोड़ देना आपकी ड्रॉप कर देना आपका कमेंट कि हाँ वी वांट वीडियो तो मैं श्योरली वो उस टॉपिक पे बना दूंगी जिस टाइम मैं इतना बताने आई थी कि शायद आप सबको आप सबने वो वीडियो देखा होगा तो शायद आपको याद आ जाएगा वैसा लिखो एंड शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए एंड सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक एंड दुआ करें कि जो काम के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ वो काम हो जाए फिर आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड अपने चार एग्जाम्स के लिए प्लीज़ डू योर बेस्ट क्योंकि हमको डिग्री स्पेशल चाहिए ना ही कि जनरल सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बब बाय